हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मनोज और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत। तो दोस्तों, आप सबको तो सबसे पहले बधाई हो कि हमारा जो ब्लॉग चैनल है वो चला गया है यूट्यूब के ट्रेंडिंग सेक्शन पर। अभी आप जा करके देख सकते हो, ट्रेंडिंग पे फोर्थ नंबर या थर्ड या फोर्थ नंबर पे हमारे चैनल को फीचर किया जा रहा है यूट्यूब की ओर से। मतलब ये एक बहुत बड़ी बात है कि गाइज, आप समझ सकते हो, पूरे ऑल ओवर इंडिया में अभी सबके यूट्यूब के एप्लीकेशन पे इंडिया का कोई भी व्यक्ति अगर देखेगा तो मेरा चैनल दिखेगा उसको, ब्लॉग वाला, ट्रेंडिंग टैब के फोर्थ नंबर पे। तो बहुत बड़ा बात है, और ये सिर्फ मेरे वजह से नहीं हुआ, ये सिर्फ आप लोगों की वजह से हुआ, इतना ज़्यादा प्यार और सपोर्ट देने के लिए। और इसको जो है दोस्तों, कैसे गया ट्रेंडिंग टैब पे, ये सिर्फ बताऊँगा इस वीडियो पर कि कैसे हुआ ये। तो गाइज, इसको करने के लिए आपको कोई भी मैनुअल तरीका नहीं है कि आपको ईमेल करना होता है या फिर यूट्यूब को बोलना होता है कि कैसे करना है, वो ऑटोमेटिक से यूट्यूब जो है आपके ट्रेंडिंग टैब का टैब पे आपके वीडियो को डालता है। तो चलिए बताता हूँ उस कैसे हुआ था। तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हुआ एक्चुअली में ये था कि कल जो है यूट्यूब की ओर से मुझे एक ईमेल आया, ठीक है, मेरे ब्लॉग वाले चैनल पर। तो वहाँ पे ईमेल पे मैंने जैसे ही रीड किया तो मैं तो देखकर उसको जो है गजब का मुझे खुशी हुई। वहाँ पे लिखा हुआ था कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके ब्लॉग जो है मनोज देव ब्लॉग चैनल को आपके यूट्यूब की ओर से क्रिएटर ऑन द राइज के लिए चुना गया है। इसका मतलब ये होता है गाइज, क्रिएटर ऑन द राइज जो है आपके अगर 1000 सब्सक्राइबर्स ऊपर का अगर आपका सब्सक्राइबर्स है तो यूट्यूब जो है हर वीक एक किसी क्रिएटर के चैनल को पिक करता है, मतलब चूज़ करता है कि वो चैनल जो है क्रिएटर ऑन द राइज के लिए चुना जाता है। जो कि मतलब उन्हें लगता है कि ये बंदा जो है एकदम एफर्ट लगाकर काम कर रहा है, अच्छे तरीके से काम कर रहा है, और ये जो है आने वाले भविष्य के लिए एक उभरता हुआ सितारा है। तो उन सब के चैनल को जो है किसी एक चैनल को, ऑल ओवर इंडिया के किसी एक चैनल को हर वीक एक चैनल को जो है फीचर किया जाता है यूट्यूब के ट्रेंडिंग टैब पर। तो दोस्तों, मेरे चैनल को कल ही जो है उन्होंने सेलेक्ट कर लिया था। तो ईमेल क्या आया था वो आप स्क्रीनशॉट देख सकते हो, मैं दिखा देता हूँ। तो ये लिखा हुआ था स्क्रीनशॉट पे, और ये जो है मैंने देख तो मुझे बहुत ही खुशी हुई। और उन्होंने कहा कि ये अभी सीक्रेट है, जब आपके चैनल को ट्रेंडिंग पे डाल दिया जाएगा तो आपको फिर से एक ईमेल आ जाएगी कि चलिए आपका चैनल जो है ट्रेंडिंग पर है, जाकर चेक कर सकते हो। तो गाइज, फिर मुझे सुबह जो है 9 बजे फिर से मेल आया यूट्यूब की ओर से कि मनोज देव ब्लॉग्स, आपके चैनल को जो है ट्रेंडिंग टैब पर डाल दिया गया है, आप जाकर के चेक कर सकते हो, फोर्थ नंबर पर आपको मिल जाएगा। तो जैसे ही दोस्तों मैंने वो देखा तो मुझे देखकर इतनी ज़्यादा खुशी हुई, यार मेरा चैनल जो है ट्रेंडिंग टैब पर फोर्थ नंबर पर था और अभी भी फोर्थ नंबर पर है। जाकर ट्रेंडिंग के पेज पर जाइए, आपको फोर्थ नंबर में मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों, और खुशी की बात यह है कि YouTube इंडिया ने जो है ऑफिशियल YouTube इंडिया के ट्विटर में ट्वीट्स भी किया है मेरे को लेकर। आप स्क्रीनशॉट देख सकते हो जाकर, या फिर ट्विटर में चेक कर सकते हो कि मेरा देखिए ट्वीट किया है कि मतलब बहुत ही अच्छा लगा, मेरा फोटो है और YouTube इंडिया ने इसको ट्वीट किया है और मुझे बताया गया क्रिएटर ऑन द राइज। तो दोस्तों, ये सिर्फ आप लोगों का सपोर्ट है, आप लोगों का प्यार है, तो इसी तरह का प्यार बनाइए रखिए, हमारे चैनल को और भी हम लोग आगे बढ़ेंगे। और ये मेन चैनल तो मेरा बहुत ही ज़्यादा रॉकेट से चल रहा है, वो ब्लॉग वाला चैनल भी अब जो है हमको लगता है बहुत ही ज़्यादा स्पीड में चलने वाला है। तो बस यही कुछ था दोस्तों, आप लोगों को कुछ करना नहीं होता है, YouTube खुद से आपको जो है चूज़ करता है आपको क्रिएटर ऑन द राइज के लिए। तो बस यही कुछ बातें थी। तो उम्मीद करता हूँ ये बात जो है सुनकर आपको अच्छा लगा होगा, थोड़ी सी नॉलेज भी मिली होगी, तो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।